नमस्कार साथियों, आपने अपने YouTube चैनल जे आर पुणे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास राजनीति के से संबंधित होने वाली है। चाहे 2022 की BSTC 151 पालों कोई एग्जाम हो, चाहे सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज का क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अजमेर जिले का कौन सा गांव हिल स्टेशन कहा जाता है? ऑप्शन ए तारागढ़, ऑप्शन दो सोमलपुर, ऑप्शन तीन मौसर, ऑप्शन चार टारगढ़। तो अजमेर जिले का कौन सा गांव हिल स्टेशन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टारगढ़। टारगढ़ को हिल स्टेशन कहा जाता है अजमेर जिले का। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है ये बताना है। ऑप्शन ए कोटा में, ऑप्शन दो बूंदी में, ऑप्शन तीन झालावाड़ में, ऑप्शन चार जयपुर में। तो ये 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। बूंदी दो आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 80 खंभों की कहाँ है? ये अलवर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर निम्न में से कौन सा नगर नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर कौन सा नगर नहीं आता है? जयपुर, अजमेर, इंदौर, बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। जयपुर, अजमेर और बड़ौदा ये राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नवग्रहों का प्राचीन मंदिर कहाँ है? नवग्रहों का प्राचीन मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन दो जोधपुर में, ऑप्शन तीन पुष्कर में, ऑप्शन चार जयपुर में। नवग्रहों का प्राचीन मंदिर है पुष्कर में। ऑप्शन तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम हेरिटेज होटल है? सामोद हवेली जयपुर में, उम्मेद भवन, अजीत भवन जोधपुर में, सभी। तो राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन, अजीत भवन जोधपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर। उम्मेद भवन भी जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर पर्यटन की दृष्टि से महल फौवारों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन दो डिग, ऑप्शन तीन बाड़मेर, ऑप्शन चार जयपुर। तो पर्यटक की दृष्टि से महल और फौवारों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दो डिग, डिग भरतपुर में। अगला क्वेश्चन, कनागत का संबंध है? ऑप्शन ए मृत्यु काल से, ऑप्शन तीन श्राद्ध काल से, ऑप्शन तीन जन्म से, ऑप्शन चार मृत्यु से। कनागत का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्राद्ध काल से। ऑप्शन दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरात विदाई के समय बरातियों को दी जाने वाली भेंट को क्या कहा जाता है? सामेला, डावरिया, रंगबरी, बरी पड़ला। तो बरात विदाई कहते हैं तो उसके समय बरातियों को जो दी जाने वाली भेंट होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको रंगबरी, रंगबरी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाए तीन, पैरावनी। ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों का लीला मौर्य संस्कार संबंधित है? जन्म से, मृत्यु से, विवाह से, कन्यादान से। आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार होता है वो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विवाह, ऑप्शन नंबर तीन। ये लीला मौर्य बिल्लों का। अगला क्वेश्चन, विवाह से संबंधित रस्म है? ऑप्शन ए काकंडोरा, ऑप्शन दो तोरण, ऑप्शन तीन पैरावनी, ऑप्शन चार सभी। तो विवाह से कौन सी रस्म है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ये काकंडोरा, तोरण, पैरावनी ये तीनों ही विवाह से संबंधित रस्म है। तो चलिए दोस्तों, ये आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को अगर पहली बार है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए थैंक्स।